मच अवेटेड हिंदी कॉमेडी ड्रामा फिल्म OMG 2 का ट्रेलर आज फाइनली रिलीज हो चुका है। 4 घंटों में इस ट्रेलर को 7 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं और आज के दिन ये जब ट्रेलर रिलीज हुआ तो लोगों को काफी सारा प्यार देखने को मिला इस ट्रेलर की तरफ और इस मूवी की तरफ रुझान जो है वो लोगों का देखने को मिला। बात करें OMG 2 की तो ये 11 अगस्त को रिलीज होगी, लेकिन गदर 2 भी इसी के साथ साथ सेम डे 11 अगस्त को ही रिलीज होगी। अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो गदर 2 की तरफ लोगों का रुझान थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल रहा है। आज हम बात करेंगे OMG 2 के ट्रेलर को लेकर और इस पूरी मूवी को लेकर बात करें। ये एक हिंदी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो कि अमित राय द्वारा लिखी गई है और डायरेक्ट भी अमित राय ने ही की है। ये एक स्पिरिचुअल सीक्वल रहेगा OMG का, जिसमें कि अक्षय कुमार ने भगवान कृष्ण का रोल प्ले किया था। और अगर इस मूवी की बात करें तो ये भगवान शिवजी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे अक्षय कुमार। इसी के साथ साथ इसमें और भी काफी ज्यादा लोग हैं, जिसका कि राम भगवान जी का रोल रामायण में जिन्होंने प्ले किया था, जिनको कि लोग सभी अच्छी तरह से जानते हैं, वो भी इस मूवी में है। साथ साथ पंकज त्रिपाठी, यामी गौतम और भी काफी सारे नामी चेहरे जो है वो इस मूवी में देखने को मिलेंगे। 150 करोड़ के बजट के अंदर ये जो फिल्म बनी है ये 11 अगस्त को रिलीज होगी। लेकिन लोग इसको क्यों कंपेयर कर रहे हैं गदर 2 के साथ, क्योंकि दोनों सेम डे रिलीज होंगी और आदि पुरुष जो कि कंट्रोवर्सी का शिकार बनी थी, अब वो भी भगवान पे बेस्ड मूवी थी, रिलीजियस मूवी थी और ये भी रिलीजियस मूवी है, इसीलिए इन दोनों को कंपेयर किया जा रहा है। और इस मूवी की बात करें तो द सेंसर बोर्ड जो है उन्होंने इसमें 25 कट्स लगाने की बात की थी और उन्होंने कहा था कि ये एक एडल्ट मूवी का टैग इस मूवी को दिया जाएगा, लेकिन आफ्टर लॉट ऑफ डिस्कशन 25 कट्स नहीं लगे, लेकिन जरूर थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस इस मूवी में देखने को मिली। बात करें अक्षय कुमार की, जैसे मैंने बात की कि वो भगवान शिव का रोल प्ले करेंगे, पंकज त्रिपाठी भी हैं जो कि मेन लीड रोल में रहेंगे, एक फादर का रोल निभाते हुए दिखेंगे जिसके कि बेटे पर काफी सारे लांछन लगे, अब उन्हें लांछनों को हटाने के लिए वो अपना केस जो है अपने बेटे के लिए खुद लड़ेंगे। OMG 2 की बात कर रहे हैं, इसी के साथ साथ आदि पुरुष को भी हम इसके बारे में भी बात करेंगे। आदि पुरुष जिसपे हमने बात की कि कंट्रोवर्सी का शिकार हुई, अब ये मूवी भी कंट्रोवर्सी का शिकार हो सकती है, ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। अगर बात करें सेंसर बोर्ड की तो 12 साल से ऊपर एज ग्रुप के बच्चे ही इसी देख सकते हैं, जो छोटे एज ग्रुप के बच्चे हैं वो अपने पेरेंटल एडवाइजरी के बाद ही ये मूवी देख सकते हैं। सेंसर बोर्ड ने 25 मॉडिफिकेशंस, जैसे मैंने कहा कि 25 मॉडिफिकेशंस इस मूवी में की है, तो आप भी जाके ये मूवी देखिए और अपने जो एक्सपीरियंसेस है जगह मीडिया के ऑफिशियल यूट्यूब हैंडल पर जरूर शेयर कीजिए।